अच्छा तो गाइस डायनासोर्स को देखने के लिए हम पहुंच गए डायनो विलेज, जहाँ पे हम एक्सप्लोर करेंगे डायनासोर्स को, गोरिल्लास को। फर्स्ट ऑफ ऑल इनके जो थीम पार्क की टिकट थी वो 800 रुपये, 800 रुपये देने के बाद थीम पार्क के एंटर होंगे। तो एंटर होते ही फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें ये फर्स्ट ये एक डायनासोर की जो हड्डियाँ हैं वो वेलकम करती हैं, जिनके ऊपर बहुत प्यारी लाइट्स लगे। प्लेस के चलते आपको काफी मजा आने वाले इस व्लॉग में, तो मेरे साथ ही रहे। अच्छा जी, यहाँ का मौसम काफी अच्छा था क्योंकि सामने माउंटेन्स थे, फिर फॉरेस्ट था, तो ये अच्छा बहुत अच्छा व्यू लग रहा था। चलो जिन्होंने भी आगाज़ किया है इसका बहुत बेहतर है, बहुत अच्छा लगा। और इस तरह की आपको डेकोरेट चीज़ें भी मिलेंगी जिसमें ये डायनासोर तो बिल्कुल इनकी डमीज ऐसे लग रही थी, जिस असली की जो डमीज ना फुल रियल लग रही थी, ऐसा लग रहा था जिस डायनासोर ही हमारे सामने खड़ा हो। यहाँ का खाना भी काफ़ी अच्छा था और रिजनेबल था, इतने प्राइजेस एक्सपेंसिव नहीं थे, सही थे। और ये डायनो मिले तो यहाँ पे ज़्यादा थे तो डायनासोर थे, बट इस तरह की गोरिल्लास वगैरह भी थे जिसमें ये स्नैक था और इस तरह की और सारी चीज़ें। तो ये सब कुछ एक्सप्लोर करने के बाद मैं गई बैक साइड पे, जहाँ पे सिर्फ बच्चों के लिए झूले लगे थे, बड़ों के लिए यहाँ पे कोई झूले वगैरह नहीं लगे थे, ये सिर्फ बच्चों की स्लाइड्स हैं जिनमें वो इन्जॉय कर सकते। इसी तरह थीम पार्क एक वॉकी है जहाँ आप वॉक करते हो, सीधे चलते हो, तो आगे पीछे आपको सिर्फ सिर्फ डायनासोर से मिलती हैं जो आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। और इस तरह की डायनासोर वाले डायनासोर तो मुझे काफ़ी रियल लगे। अच्छा तो भाई हमने तो एक्सप्लोर कर दिया ये डायनासोर और गोरिल्लास, तो आप लोग कब जा रहे हैं मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें। एंड आई होप आपको मेरा ये छोटा सा व्लॉग काफ़ी पसंद आया होगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, शेयर इट, लाइक इट। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।